नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में रख ले फेंगशुई की ये तीन चीजें, चलकर खुद आएंगी माँ लक्ष्मी, खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई में भी कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से व्यक्ति की तरक्की के कई द्वार खुलते हैं। माना जाता है कि इन्हें घर या ऑफिस आदि में रखने से आसपास का माहौल सकारात्मक होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम फेंगशुई में ऐसी ही तीन चीजों के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति के सोए भाग्य को जगाकर उसके तरक्की के द्वार खोलती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इन्हें रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानें। फेंगशुई ऊंट। फेंगशुई में कई ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें घर में रखने से व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं। इनमें से एक फेंगशुई ऊंट है। इसे संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। वहीं फेंगशुई ऊंट को घर में रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के आय के स्रोतों में भी वृद्धि होती है। इसे दफ्तर आदि में भी रखा जा सकता है। इसे सकारात्मक परिणामों के लिए इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। कछुआ। फेंगशुई के मुताबिक धातु का कछुआ घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर इसे उत्तर दिशा में रखा जाए तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कारोबार में आर्थिक लाभ के लिए ऑफिस में क्रिस्टल का कछुआ रखें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कछुए को पानी के किसी पात्र में रखें। कछुआ रखते समय ध्यान रखें कि इसका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। फेंगशुई कैट। फेंगशुई में कैट यानी बिल्ली की मूर्ति को भी शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में तो बिल्ली को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर इसे दफ्तर या घर में रख लिया जाए तो इससे सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। ये अलग अलग रंगों की मूर्ति के प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। सुनहरे रंग की बिल्ली धन को आकर्षित करती है, इसलिए घर या ऑफिस में इसी रंग की बिल्ली रखने की सलाह दी जाती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में हरे रंग की बिल्ली रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।